बेटा सपने में आदमी किसको दिखता है? अलग अलग आते हैं, कभी कभी कुछ स्वरूप बदल बदल के आते हैं, लेकिन अकेला दिखता है बेटा, जेंट्स दिखता है नहीं, मतलब जैसे टीवी में जो लोग दिखते हैं वो नजर आते हैं। कोई भी भैया मतलब अलग अलग रूप में दिखते हैं ना। हाँ हाँ, चाहे वो किसी का भी रूप हो, कभी कोई पॉलिटिशियन नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है, दिखता है ना बेटा। बोलो साचे दरबार की जय हो। टांग में कमर में दिक्कत किसके है? मेरे भी है, पिताजी के भी है, मदर के भी है। बोलो साचे दरबार की जय। बेटा किसके साथ लड़ाई हुई थी क्या? अभी इन दिनों में तो अभी नहीं भैया, घर में भी लड़ते रहते हैं भैया। ये पूछा चलेगी ऐसे 3 पीढ़ियों से, पूरे परिवार की चलेगी, ये ध्यान रखिए। लड़ाई हमारे से ऊपर वालों से हुई थी। बोलो साचे दरबार जय हो। वो तंग कर रहे थे मकान को जाने के चक्कर में, ये मकान की बाबत ही हुई थी बेटा। हाँ जी। बोलो साचे दरबार की जय हो। बेटा घर में से कुछ चीज गुम हुई थी क्या? कोई सामान गुम हुआ था घर में से? अभी पहले भाई 3 पीढ़ी पीछे तक पूछाएगी, पीछे तक की पूछाई है। अभी दिमाग लड़ाओ, अभी कुछ चोरी हुआ घर में से, कुछ चोरी तो मेरी चेन ही हो गई थी, खींच के ले गया था मैं। बोल साची दरबार जय। ये चक्कर किसको आते हैं घर में? मेरे को भी आते हैं, मैं हिलता हूँ ऐसे, और घूमन भी चढ़ती है, आंखों आगे अंधेरी भी आती है बेटा मेरा। यहाँ मस्तिष्क के बीच में दबाव किसको महसूस होता है? होता है ये चीज। और बोलो साचे दरबार जय हो। साईं बाबा को कौन मानता है घर में? बोल सच्चे दरबार की जय। वो तो पैरे पे खड़ा है बेटा साईं बाबा तो तेरे, उसकी शक्तियां खड़ी है यहाँ, लेकिन यहाँ घर पे कर्म छिड़वाए हुए है बेटा। इसमें शरीर पे छिड़वाया हुआ कर्म है और सारा काम बंधवाया हुआ है बेटा। बोलो साची दरबार जी। हाँ, जो ये कर्म चलाया है फिलहाल बेटा, इस कर्म को 8 साल हो चुके हैं, जो इस कर्म को चले हुए को जो अभी चलाएगा, ठीक है। बोलो साची दरबार जय। और जो पुराने भी है कुछ? पुराने तो शुरू से ही चल रहे हैं बेटा, कर्म तो बिगड़ो है शुरू से है। बेटा घर में खून के छींटे आए थे जब पुराने घर पे रहते थे 20 साल पहले जिसमें,
तब मम्मी बताती थी एक दिन बाथरूम में, बेटा तीन पीढ़ियों की पुच्छा चलेगी बेटा ये आपकी, ठीक है, बोलो साची दरबार जय बिगड़ा हुआ इसको बोला। माँ भगवती की चौकी कौन लगाता है बेटा? आसन लगे हुए दिख रहा है चौकी, वो नहीं बोल रही मैं, पुच्छा वाली चौकी आसन लगा रखा है, आसन लगा रखा है, पूजा पाठ कौन करता है? माँ के लिए कुछ कर रखा है आसन, घर में पूजा पाठ ऐसा कुछ नहीं, माता की मूर्ति है वो फोटो है उसके ऊपर चुन्नी चढ़ाते हैं नवरात्रों में रोज बेटा, वो चौकी तो लगती है कौन करता है?